क्लास टू यार गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट लेसन इन हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यू कैन सी अ बिग पिक्चर हियर इन विच यू कैन सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हियर एंड मेनी नेशंस आर कमिंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. These flags signify different nations, and some have already passed the Statue of Liberty. So this is a picture made in 1848 by Frederick Soureau, a French artist who prepared four prints. Who prepared a series of four prints, visualizing his dream. मतलब उसने एक सपना देखा था कैसा डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक का. और ये इसकी फर्स्ट प्रिंट थी जो हमको फिगर वन में यहाँ पे दिखाई दे रही है. यहाँ सो यू कैन सी people of Europe and America, men and women of all ages and social classes marching in a long train offering homage to the Liberty, Statue of Liberty. मतलब वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं जैसे जैसे वो Statue of Liberty से पास कर जा रहे हैं, पास करके आगे बढ़ रहे हैं. Artists of the time of French Revolution personified. तो Statue of Liberty जो है वो एक female figure था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता था, मतलब फ्रांस की क्रांति को रिप्रेजेंट करता था. और अगर पिक्चर को साफ साफ देखें लोग तो इसके हाथ में क्या है, एक टॉर्च है और दूसरे हाथ में ये चार्टर ऑफ राइट्स है. ठीक है, देखो here you can recognize torch of enlightenment she wears in one hand and charter of rights of man in the other. On the earth मतलब धरती पर, ये देखो यहाँ क्या पड़ा हुआ है, image lies shattered remains of symbols of absolutist nations. तो सूरो के दिमाग में क्या था, एक यूटोपियन इमेज थी, एक यूटोपियन विजन थी. ठीक है, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. अलग अलग तरह के costumes पहने हैं और अलग अलग तरह के वो क्या झंडे लिए हुए हैं. Leading the procession, सबसे आगे procession में, सबसे आगे जुलूस में कौन है, United States, जो आगे बढ़ चुका है picture से. फिर उसके बाद पीछे Switzerland है जो अब तक nation states बन चुके थे. ठीक है, फ्रांस एंड फ्रांस किससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, रिवोल्यूशनरी फ्लैग से. वो अभी अभी स्टैचू तक पहुंचा है. उसके पीछे जर्मनी है वेयरिंग ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब व्हेन सूरो क्रिएटेड दिस इमेज जर्मन पीपल डिड नॉट yet exist as a nation. The flag they carry is an expression of the liberal hopes. मतलब अभी वो एक नेशन स्टेट नहीं हुए थे, वो होप कर रहे थे कि वो 1848 तक अपने आप को यूनिफाई कर लेंगे सभी जर्मन प्रिंसिपैलिटीज़ को, स्पीकिंग पर्सनैलिटीज़ को एक नेशन के अंडर में, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर. तो उनके जर्मन पीपल के पीछे कौन है, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. और हेवन से कौन देख रहा है, क्राइस्ट, एंजल्स देख रहे हैं नीचे. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रैटर्निटी. तो वो क्या दिखा रहे हैं, फ्रैटर्निटी. फ्रैटर्निटी जिसका मतलब होता है ब्रदरहुड अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो इस लेसन में हमको क्या याद करना है, व्हाट डू मीन बाय अ नेशन स्टेट. ठीक है.
ठीक है, तो ये यहाँ पे साफ साफ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बाय अ नेशन स्टेट. वॉट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस डू नॉट एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स कम केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. सो दिस इज़ द डेफिनेशन विच यू हैव टू लर्न. सी यहाँ से अ नेशन स्टेट, दिस इज़ द डेफिनेशन. देन कम अगेन टू द फर्स्ट पेज, हियर आर सम न्यू वर्ड्स. ये न्यू वर्ड्स तुमको लर्न करने हैं बाय हार्ट. एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन. एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड. या एक ऐसी मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वॉज सेंट्रलाइज मिलिटराइज रिप्रेसिव. मतलब एक अत्याचारी राजा का शासन जो कि किसी की नहीं सुनता हो, है ना, रिप्रेसिव हो, नो रिस्ट्रेंट्स, कोई भी वो किसी भी तरह से किसी के रोके नहीं रुके, ऐसा राजा. और यूटोपियन, व्हाट डू मीन बाय यूटोपियन? ये एक ऐसी विजन ऑफ सोसाइटी है इतनी आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. मतलब एक तरह से एक ऐसा राज जो कि जिसमें क्या हो, राम राज. राम राज किसे कहते थे? राम राज ऐसा समय था जब कोई भी क्राइम नहीं होता था, लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से रहते थे, बहुत सुख से रहते थे, कोई भी कष्ट नहीं था जनता को. तो एक यूटोपियन विजन उसने सोचा था. देन नेक्स्ट पेज पे देखो, अगेन एक और हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू वर्ड्स में, प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. वी हैड स्टडीड दिस इन क्लास 9th ऑल्सो. व्हाट डू मीन बाय प्लेबिसाइट? क्या है इसका डेफिनेशन लर्न कर लेना. देन नेक्स्ट पेज, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन. तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक विच गोइंग टू स्टडी. तो क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म मतलब एक देशभक्ति की भावना, है ना. विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, कब हुआ था? 1789. सबसे पहले फ्रांस की फ्रांस में ही क्रांति हुई थी. इस बार 2020 में ये एक इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला, वेरी शॉर्ट नहीं, मल्टीपल एमसीक्यू में आया था. आई विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर. लेकिन अभी ये समझ लो, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में. तो फ्रांस एज यू रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट. और यहाँ क्या था? एक एब्सोल्यूट मोनार्क था. मतलब एक ऐसा राजा था जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता था, ठीक है. द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए, उससे क्या हुआ? ट्रांसफर सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि जो मोनार्की के हाथ से जो सत्ता थी वो बॉडी ऑफ सिटीजन, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में चली गई. रिवोल्यूशन से क्या हुआ कि ये प्रोक्लेम किया गया, इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. कि अब लोग ही फ्रांस की डेस्टिनी को शेप करेंगे, फ्रांस की डेस्टिनी को शेप करने वाले हैं.